तो हेलो एवरीवन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट। तो आज का थंबनेल आपने देखा होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि जो बच्चा आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो बच्चा आज तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। और जो बच्चे सब कुछ पढ़ लिए हैं तो ये ज़रूर पढ़ लेना, यानी कि सबके लिए वीडियो है, जो पढ़ा है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप पढ़ लेते हो, जितना मैं बता रहा हूँ तो 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं चैप्टर से दिखने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल 70% क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर से मिलने वाले हैं। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से थ्योरी जाते आएंगे और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल के पोर्शन जाते आएंगे, वो सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 3-4 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मुझे पता है कि हर एक वीडियो आप लोग स्किप करते हो, लेकिन ये वाला वीडियो बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। और कैसे आप टॉप रैंकर बनेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। देखो भाई, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, आपको पता ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि जो हीट चैप्टर है, हिंदी में कहते हैं बेटा ऊष्मा, क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, और एक है लाइट यानी कि प्रकाश। ये तीन यूनिट ऐसे हैं ना, ये कोई एक चैप्टर नहीं, ये पूरा यूनिट है। अगर तीन यूनिट आप पढ़ के जाते हो ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन्हीं तीन यूनिट से दिखने वाले हैं। हीट में भी 3-4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, टेम्परेचर स्केल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि उसमें प्रसार पढ़ना होता है, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा पढ़ना होता है, और भी हीट ट्रांसफ़र के बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सब पढ़ने होते हैं। यानी हीट में बहुत सारा आपको चीज़ पढ़ना होता है, हीट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान समझना इस चीज़ को कि हीट चैप्टर आप पढ़ लेते हो, अगर आप हीट चैप्टर पढ़ लेते हो बढ़िया से, खूब अच्छे से समझ जाते हो, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी वही हालचाल है, इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। और लाइट तो पूछो मत यार, बोरा भर भर के क्वेश्चन आते हैं लाइट से, एकदम ध्यान रखना, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल आएंगे। यानी कि तीन यूनिट जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर नहीं भी पढ़े हो ना तो एक बार जरूर जाके इसको जरूर रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, और लाइट में भी रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ह्यूमन आई थोड़ा सा पढ़ना होता है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी होती है। यानी तीन चैप्टर नहीं है, तीन यूनिट है, ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रख लेंगे तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। और ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के जाना एग्जाम में, सर बोले हैं सर अब क्या करना, हम तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस यही पढ़ के जाएंगे और आकर के हमारा कपार फोड़ोगे तुम लोग कि सर आप बोले थे इसमें तो क्वेश्चन आया नहीं। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ लियो तो ज़रूर पढ़ लेना, अगर कुछ नहीं पढ़ लो, बहुत कम टाइम बचाओ तो ये ज़रूर पढ़ लेना, उसके लिए है, लेकिन पढ़ना सब कुछ, लेकिन ये बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक, तीन चैप्टर। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, वाकई में इस चैप्टर में बहुत पावर है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इससे भी न्यूमेरिकल, एक दो फॉर्मूला है बस उससे न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। मेजरमेंट यानी कि मापन, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल एक आध आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मेनली क्या है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसे ठीक ठाक भी बनते हैं। वेक्टर एंड मोशन, इससे भी न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं। मैंने आपको कितने चैप्टर बताए, देखो, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर, और इधर तीन है, चार है ना, और आपका तीन चैप्टर पीछे मैंने बताया था, क्या सर? हीट के बारे में आपने बताया था, लाइट के बारे में आपने बताया था, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने बताया था, तीन चैप्टर। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, तीन और चार, सात, सात चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि 70% के आसपास क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर पढ़ जाना, इस चैप्टर पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर पे, यानी कि इस चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊष्मा हिंदी में कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, विद्युत कहते हैं। वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, ठीक है, या फिर शक्ति भी कह सकते हो। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, मेजरमेंट यानी मापन, वेक्टर एंड मोशन, वेक्टर का मतलब सदिश एवं मोशन यानी गति,
सदिशवं गति। ये जो चैप्टर मैंने बताया ना फिजिक्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन आप कभी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, एक चैप्टर में नहीं पढ़े हो, तो मैं कहूँगा कि ये इतने पार्ट तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। देखना आपको एग्जाम में बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से 70 नहीं तो 60+ तो आराम से क्वेश्चन आप सही सही करके आ जाओगे, मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। बाकी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही चैप्टर्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने ये बताया, ये चैप्टर्स बहुत ही फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स का ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई, कौन कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखो पढ़ना सब कुछ है, बाद में मेरे को मत बोलना भाई, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ के लिए, तो ये एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। आप सब पढ़ के जाओगे, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ना और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके जाना है आपको, और जो कुछ नहीं पढ़ा इसको अच्छे से पढ़ लो, बाद में वो वाला पढ़ना जो बचा हुआ है। बात समझ भाई, तो ये कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब मैं आपको बता दूँ तैयारी कैसे करना है आपको। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टॉप रैंकर बनना है, बहुत अच्छे से पूरा थ्योरेटिकल क्लास लेना है, न्यूमेरिकल क्लास लेना है, तो रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग आप डाउनलोड कर लेना। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, आप नीचे जैसे ही क्लिक करोगे तो RCF का क्या लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर देखो ये जाके सर्च करोगे ऐसे आपको दिखेगा, रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिलेगा, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का PDF, न्यूमेरिकल सीरीज, मॉडल पर, प्रीवियस पेपर, सब कुछ आपको लाइन से बिना किसी परेशानी का आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसका कंप्लीट पैकेज का कॉस्ट 999 था, लेकिन एग्जाम बहुत नज़दीक है तो पूरा ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे, नॉमिनल कॉस्ट रखा गया सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 799, एक बार लगाओ और पूरा सिलेक्शन अपने घर लेके जाओ, ठीक है। और ये चैप्टर आप लोग ज़रूर पढ़ जाना, कितना हेल्पफुल रहा वीडियो कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे, और लाइक करना तो भूलना नहीं, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखना, क्योंकि ऐसे वीडियोज और पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कितने बच्चों को केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएंगे, सर वीडियो हमें दीजिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।